रिपोर्ट और आप देख रहे हैं पल पल। किसान आंदोलन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जहां सरकार और किसानों के बीच में अलग अलग दौर की बातचीत हुई, वहीं कई इस तरह के संगठन भी उभर कर सामने आ रहे हैं जो अलग अलग तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसान संगठनों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं हमारा ये आंदोलन हाईजैक न हो जाए, और कई राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के इस बड़े आंदोलन को, जो पूरे देश भर में एक आक्रोश और एक जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे किसी भी तरीके से हाईजैक कर लिया जाए। एक और इस बात पर जोर दे रही है कि ये आंदोलन खालिस्तान जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कई लोगों के बयान भी आ चुके हैं कि चाइना और पाकिस्तान का इस पर सपोर्ट भी है। और इसी कड़ी में एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसे देखकर शायद आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा अवश्य लग जाएगा। लेकिन इस तरह का वीडियो हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये बता दें कि किसानों को सचेत रहना होगा, क्योंकि पूरे देश में और अब तक आज़ादी के बाद में इस तरह का बड़ा आंदोलन और कोई नहीं है। और इस बड़े आंदोलन को किसी भी तरीके से हाईजैक करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे विरोधी लोग भी हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश भी करेंगे। इसके लिए उनको सचेत रहना होगा, खासकर किसान नेताओं को। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसा वायरल वीडियो जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में किसानों को सचेत होना होगा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जिहड़े ऑर्गन्स ने स्टेट दे, उन्हां नूं मुखातब है। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली के दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानों ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स के उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तो दूर की गल, उसके मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इसकी कवरेज भी नहीं की। और ये गल का ध्यान रहे कि भारतीय हाकमां ने जिवें हिंदुत्ववाद के एजेंडे के थले जो हाल 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर का किया, CAA वर्गे कानून लिया के 200 मिलियन मुसलमानों नूं किवें टारगेट किया, किवें असाम दे विच 2 मिलियन मुसलमानों नूं स्टेटलैस बनाया और एक खौफ पैदा किया होया, और सिख खलोते ने उस हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी नूं चैलेंज करन लई कल्ला दिल्ली दे विच नहीं, दुनिया भर च डायस्पोरा सिखा ने इस मुद्दे दे उत्ते आवाज़ बुलंद की है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फार्मर्स एजुटेशन के हक च नितरे ने, इंग्लैंड के 39 मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ने जिहड़ा अपने सैकटरी ऑफ स्टेट नूं चिट्ठी लिखी है, US कांग्रेसमैन आवाज़ चुक रहे हैं, तो कितने ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारी, उन्होंने UN मिशन, उन्होंने हकूमती अदारे और खास तौर पर मीडिया जिदी ये रिस्पोंसिबिलिटी है कि उन्होंने लोगों को दसना है जदों कि इंडिया पाकिस्तान की हर एक्टिविटी इंटरफीयर करता है, किवें इंटरनेशनल लैवल पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश होती है। सो अज 30 मिलियन सिख कौम के बिहाफ से मैं गुजारिश कर दें कि एक गल ध्यान रहे, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तुसीं करतारपुर साहब का कोरीडोर खोलिया है, समुची सिख कौम के तुसीं दिल जितते ने, इतिहास सिरजिया। अज सिख इस हिंदुत्ववाद को चैलेंज ही नहीं, इस डिस्ट्रॉय करन दे लई लॉक स्टॉक एंड बैरल मैदान दे विच उतरे है। प्लीज़ खुल के हमायत करो, जे सरकारी लैवल ते तुहाडे बाहरले अदारे ह्यूमन राइट्स का मुद्दे दे नूं आधार बना के चुक सकते हैं, पाकिस्तान च सिख वसदे ने, पाकिस्तान च साडा मक्का मदीना है, तुहाडा उन्ना ही हक है सिख इशूज ते गल करन दा जिन्ना कि कनेडा दा, तुहाडा कितने मच मोर है राधर, कनेडा च तो साडी कोई हिस्टरी नहीं है। तो मैं समझदा हाँ भी बहुत बार इतिहास चो पल याद रखे जाते हैं जदों कौमां दी मदद वो लोग करते हैं जिहड़े हैव हुंदे रहे, असी हैव नॉट है, साडे कोल मुल्क नहीं है, पर असी तुहाडी गुडविल ते काउंट करते हैं। इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, तुहाडे जेस्चर जिहड़े करतारपुर साहब कोरीडोर अज गुरद्वारियां दी सांभ संभाल लई ने, इन्हां ने कौम दे दिल जित्ते ने। पर आओ साडी हमायत ते मित्रो, जिस भी ढंग नाल तुसी गल कर सकते हो, सिख कौम नूं हमायत दे सकते हो, दिओ। ये अज इतिहास सिरजिया जा रहा है,
और तुसी इतिहास की ठीक साइड पर होने चाहिए हो। असी खालिस्तान पाकिस्तान हमसाए मुल्क हैं, साड़ियाँ सारिया सांझा ने और ये तुहाड़ी हमायत असी हमेशा याद रखांगे। ये मेरी दो हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुहाड़े सब नूं बेनती है, बहुत मेहरबानी।